हेलो हेलो। मौलाना साहब, ये ब्रजभूषण कौन है जिनके ऊपर ये महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं? और इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी पुलिस ने इनको अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया और ना ही इन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसी क्या पावर है इनके पीछे, कुछ बताएंगे आप हमको? जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट हैं और जी बीजेपी सांसद भी हैं। जी तो इनके ऊपर महिला पहलवानों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं जो यौन शोषण से जुड़े हुए हैं। जी लेकिन इनके पास जो पावर है और जो ताकत है उसके चलते हुए अभी तक ना इन्होंने इस्तीफा दिया है और ना जी इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इनका जो राजनीतिक जीवन है जी उसके ताल्लुक से अगर आप जानेंगे तो ये 6 बार सांसद रह चुके हैं और जी इनकी पत्नी भी सांसद है और इनका एक बेटा वो मौजूदा विधायक है। जी इसके अलावा इनके पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और इनके पास बड़ी एक आपात संपत्ति है जी और हर एतबार से इनका अपने इलाके में एक दबदबा है, जिसके चलते हुए इनको सरकार भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और इनको अभी भी ये खुले तौर पर घूम रहे हैं जी और ये खुद कह रहे हैं कि मैं अभी इस्तीफा नहीं दूंगा। जी तो देश की वो महिला पहलवान जिन्होंने विदेशों में जाकर देश का नाम ऊंचा किया है और जी जिनको सिर्फ अपने खेल से मतलब होता है, आज जी वो जंतर मंतर पर बैठने पर मजबूर हैं और धरना प्रदर्शन दे रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। ये मंत्री साहब हैं, इन्होंने कहा है कि ये मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन जो ये विनेश फोगाट जो प्रदर्शन के लिए उतरी हुई है, ये तो खुद इतनी फेमस है, बाकायदा ये इंटरनेशनल में से कुछ अवार्ड भी जीत के ला चुकी है, तो इनको तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी होगी। ये भला इस चीज के लिए क्यों उतरते? उनके पास तो खुद इतना नाम सम्मान होता है, वो इस चीज के लिए भी नहीं उतरते, तो इसमें कुछ ना कुछ जी, सही है। जहां तक ये कहना है इनका कि ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, जी तो हम सब जानते हैं कि कोई भी गुनहगार और दोषी कभी नहीं कहता कि मैंने गुनाह किया है और मेरा ये दोष है। वो यही कहता है कि जो मेरे ऊपर आरोप इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं। जी हालांकि वो महिला पहलवान जो विनेश फोगाट है, इसके अलावा दूसरे बड़े बड़े पहलवान उनके साथ हैं। जी महिला पहलवान का तो ये भी कहना है कि तकरीबन 6 से 7 और इससे कुछ बड़ी तादाद है जो उनको, यानी वो नाम के साथ ये बता सकती हैं कि किस किस ने मतलब यौन उत्पीड़न किया है, जी क्योंकि इसमें खुद प्रेसिडेंट साहब भी हैं और कुछ कोच हैं जो पिछले कई सालों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। तो जी ये मामला बेहद गंभीर है और इस पर गृह मंत्रालय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटों में जवाब भी मांगा है, जी लेकिन अभी तक ये मामला बराबर चल रहा है और जो महिलाएं हैं वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी चीज की है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही उठ रहा है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके कि देश के जाने माने जो महिला पहलवान हैं उन्होंने इस कदर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन ये बीजेपी जो सरकार है वो हमेशा इस तरह के लोगों को बचाती आई है। हमने देखा हरियाणा में संदीप सिंह का मामला जो अभी तक पेंडिंग में है, एक तरह से उस पर कोई जांच और ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उससे भी बड़ा मामला ये अब आया है जिससे तमाम लोग हैरान हैं और पूरे देश का नाम, और इससे देश का नाम भी बदनाम हो रहा है कि वो महिला पहलवान, उनकी इज्जत अगर महफूज नहीं रहेगी तो आगे जो लड़कियां हैं वो खेल विभाग में कैसे आगे बढ़ेंगी।